अब हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं दैट इज अ वेरी स्पेशल रेसिपी. इसका नाम है धुंगार वाले टिंडे, यानी कि स्मोक्ड टिंडे. यहाँ पर मैंने कोयला जो है गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रखा हुआ है. टिंडे जो है उनको आप पील कर लें. पील करने के बाद उनको अंदर से इस तरह से खाली कर लें. एंड इसके बाद इस तरह एक परात में हमने कर लिया इनको अरेंज. परात में क्यों अरेंज किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टिंडों के अंदर एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए. उसके लिए एक बढ़िया सा जलता हुआ कोयला राइट इन द सेंटर एंड उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी. वाह, और आ गया हमारा स्मोक एंड स्मोकी फ्लेवर. 2 से 4 मिनट तक हम इनको स्मोक होने देंगे. टिंडे हमने देख लिए किस तरह से हमें उसे शेप देना है, किस तरह से खाली करना है. अब जब खाली किया है तो उसके अंदर हमें फिलिंग तो डालनी होगी. फिलिंग यहाँ पर होगी हेल्दी हेल्दी उबाल के रखे हुए हरे मूंग के दानों की. तो बस हरे मूंग की जो दाल होती है सोक कर लीजिए 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद उबाल लीजिए. उबालने के बाद कुछ इस तरह ये दिखेगी. सॉल्ट उसमें डालिए जब आप उसे उबाल रहे हो, इससे फ्लेवर और टेस्ट काफी एनहेंस होता है. अगला स्टेप, एक कढ़ाई को करेंगे गरम. इसके अंदर हम लेंगे देसी घी. 1 या 2 ग्रीन चिली हम इस्तेमाल करेंगे. एंड इसके बाद घी के अंदर जीरा, जीरे के साथ साथ कुछ राई के दाने 1 छोटा चम्मच. इसमें हम डालेंगे हमारी चॉप की हुई बारीक हरी मिर्च, 5 एकदम कम. तो हरी मिर्च जो है धीरे धीरे यहाँ पर भून रही है. इसके साथ हमें कुछ और मसाले इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा टमाटर कर लेंगे चॉप. ओके, आगे बढ़ते हैं. जीरा और हरी मिर्च और राई जो भून रही है इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच एंड हमारे टमाटर. टमाटर डालने के बाद इसको ये हमने दबाया, मैश करके अच्छे से पका लेंगे. और जैसे ही आप देखें कि टमाटर जो है धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो गया, हमारी हरी मूंग के दाने स्ट्रेट इनटू द कढ़ाई. करीब 1/2 कप यहां पर हमने इस्तेमाल किया है हरा मूंग उबाल के रखा हुआ. मिक्स करेंगे और अब डालेंगे इसके अंदर स्वाद के लिए सेंधा नमक. थोड़े से गर्म हो गए टमाटर के साथ, बहुत बढ़िया स्वाद आ गया. आगे बढ़ते हैं, ये है हमारी फिलिंग. आगे हमें क्या करना है, एक और कढ़ाई हम रखेंगे जिसे हम करेंगे गर्म. इसके अंदर हम लेते हैं देसी घी और इसको करना है गर्म. इसके अंदर स्लाइस किया हुआ टमाटर, इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे. तो सबसे पहले हम यह इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला. इसमें जो है हम सबसे पहले मसाले नहीं टमाटर पका रहे हैं. इससे होगा ये कि ग्रेवी के अंदर बड़ा प्यारा खट्टा सा स्वाद आएगा और मसाले जो उनका फ्लेवर बहुत देर तक रिटेन रहेगा. अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हींग. धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे टमाटर मसालों के साथ अच्छे से मैश होकर पक रहा है और जो घी है ऊपर तैरना शुरू हो गया है. अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं पॉपी सीड का पेस्ट, यानी कि खसखस जो है उसका पेस्ट. खसखस की जगह अगर आप चाहें काजू बादाम जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो उसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ में ही सेंधा नमक. पॉपी सीड को मसालों के साथ अच्छे से भूनना है. जब आपको लगे कि इसका कलर जो है हल्का सा ब्राउनिश टर्न होना शुरू हो गया, इसके अंदर उबाल के रखा हुआ पानी. जब अच्छे से पानी मिल जाए तो इसको और रिच बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे दूध. उबाल के रखा हुआ है, इसकी जगह आप चाहें तो यहां पर नारियल का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ताजे नारियल का दूध निकालिए, जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है उसे पहले डालेंगे तो काफी अच्छी ग्रेवी आएगी. सेकेंड लास्ट में डालिए और उसे थिक करके इस्तेमाल कीजिए. धीरे धीरे ये ग्रेवी पक रही है, तब तक हमें क्या करना है, फिलिंग हो गई ठंडी. आइए भरते हैं इसको हमारे धुआं लगे हुए टिंडों के अंदर. ये लिया हमने एक टिंडा, ये गई इसके अंदर मूंग की दाल. ओके, सभी टिंडे जो इस तरह भर लेते हैं हम.
टिंडे हमने भर लिए, तैयार हो गए। सबसे पहले इसे उठाते हैं, रखते हैं यहां और गैस के ऊपर हमारी ये परात। तो ये हमने परात जो इसके अंदर ग्रेवी डाल ली है, गैस ऑन करेंगे एकदम धीमी आंच के ऊपर। अभी 8 से 10 मिनट इसे पकाते रहेंगे और पकाते पकाते क्या करना है, ये जो ग्रेवी है इससे इसे इस तरह से बेस्ट करते रहें। तो देखिए हमारे टिंडे जो है पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जैसा कि मैंने बताया था एकदम शाही होगा इसका अंदाज। अब क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन। लीजिए तैयार है हमारे धुंगार वाले टिंडे। इसकी रेसिपी बहुत स्वीट थी, बहुत सिंपल थी। रिकैप जल्दी से देख लीजिए। धुंगार वाले टिंडे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में 4 टिंडों को आधा कट करके अंदर से पील करके रखें। फिर इसमें एक गरम कोयला और देसी घी डालकर 2 से 4 मिनट तक ढककर स्मोक कर लें। फिलिंग के लिए कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बारीक कटा टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए पकने दें। अब मसाले में 1/2 कप बॉइल्ड मूंग, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर मिक्स कर लें और गैस बंद कर लें। एक दूसरी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच देसी घी, 1 स्लाइस टमाटर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 3 छोटे चम्मच खसखस का पेस्ट, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1 कप पानी और 1/2 कप दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। हरे मूंग के मिक्सचर को टिंडों के अंदर भरें और खसखस की ग्रेवी को बड़े बर्तन में टिंडों के साथ धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लें। प्रेजेंटेशन के लिए टिंडों को छोटी कटोरियों में निकाल लें। हरी धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और टमाटर की स्लाइस से गार्निश करें। आपके धुंगार वाले टिंडे तैयार हैं।